हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 स्नैपशॉट अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल का लेक्चर नंबर 8 के टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स। आज के लेक्चर में हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इस लेक्चर की समरी प्लस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को कवर किया है। तो चलिए बिना देरी के आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है? Who was Elsa? What did she think of Albert? How could one pass the examination according to her? Elsa कौन थी? वो Albert के बारे में क्या सोचती थी और उसके according pass examination pass करने का क्या तरीका था? Elsa was Albert's cousin. Elsa जो थी Albert की cousin थी। She lived in Berlin. वो Berlin में रहती थी। And her father was a businessman. और उसके पापा कौन थे? Businessman थे। They both met with each other एट मुनिच, और वो दोनों एक दूसरे से कहाँ पे मिले थे? मुनिच में ही मिले थे। एल्सा टोल्ड अल्बर्ट दैट इफ ही ट्राइड, एल्सा ने अल्बर्ट को बोला अगर वो कोशिश करेगा, ही कुड लर्न इनफ टू पास द एग्जामिनेशन, वो इतना याद कर लेगा कि वो एग्जाम को इजिली पास कर सके। एज पासिंग इज नॉट दैट डिफिकल्ट, क्यों? क्योंकि उसके अकॉर्डिंग एग्जाम्स को पास करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। शी फर्दर एडेड दैट शी नो मैनी बॉयज हु आर मोर स्टूपिड देन अल्बर्ट। उसने ये भी बोला अल्बर्ट को कि वो ऐसे कई बॉयज को जानती है जो तुमसे भी ज्यादा स्टूपिड हैं। येट दे पास द एग्जाम, लेकिन फिर भी वो अपने एग्जाम को पास कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू हर अल्बर्ट जस्ट नीड टू रिपीट वट ही वॉज टॉट। उनके अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन को पास करने की एक ही टेक्निक थी कि अल्बर्ट को जो उनको पढ़ाया गया उसी को रिपीट करना है। एंड देयर इज नो नीड टू बी गुड एट लर्निंग थिंग्स, और याद नहीं करना, बट उनको जो पढ़ाया उन्होंने उसको बस एक बार रिपीट करना है। एनीवन कुड लर्न लाइक पैरेट, सो दैट अल्बर्ट, उनके अकॉर्डिंग जब हर कोई पैरेट की तरह, तोते की तरह रट सकता है, तो अल्बर्ट क्यों नहीं? तो ये एल्सा थी। एल्सा कौन थी? अल्बर्ट की कजन थी। वो कहाँ रहती थी? बर्लिन में रहती थी। और उसके पापा कौन थे? बिजनेसमैन थे। वो अल्बर्ट के बारे में क्या सोचती थी? वो सोचती थी कि अल्बर्ट भी पास कर लेगा एग्जामिनेशन अगर वो थोड़ी सी मेहनत करे। क्यों? क्योंकि वो ऐसे कई बॉयज को जानती थी जो अल्बर्ट से भी ज्यादा स्टूपिड थे, और उनके अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन पास करने की क्या टेक्निक थी? उनके अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन पास करने की ये टेक्निक थी कि जो आपको पढ़ाया गया है उसको आप एक बार रिपीट कर लीजिए। जरूरी नहीं आप याद कीजिए, बस उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, तो भी आप क्या करेंगे, एग्जाम को पास कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? डिस्क्राइब हाउ यूरी हेल्प्स अल्बर्ट इन हिज एफर्ट्स टू लीव द स्कूल। यूरी जो अल्बर्ट का इकलौता दोस्त था वहां पे, उसने कैसे मदद की थी अल्बर्ट की स्कूल को छोड़ने में? यूरी वॉज अल्बर्ट्स ओनली फ्रेंड, यूरी अल्बर्ट का अकेला फ्रेंड था। हु नोज हाउ मच ही हेट्स लिविंग हेयर, जिसको पता था कि अल्बर्ट को कितनी नफरत है यहाँ पे रहने से। अल्बर्ट ऑल्सो इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट हिज प्लान, अल्बर्ट ने उसको अपने प्लान के बारे में भी बताया कि वो स्कूल को छोड़ना चाहता है। ही आस्क्ड हिम इफ ही न्यू नो एनी डॉक्टर अराउंड हेयर, उसने पूछा, अल्बर्ट ने यूरी से पूछा कि क्या तुम यहाँ पे आसपास किसी डॉक्टर को जानते हो? हु कैन हेल्प मी इन एग्जीक्यूटिंग हिज प्लान, जो कि उसके प्लान को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करे बाय इशूइंग फेक मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर नर्वस ब्रेकडाउन, ताकि वो उसको एक फेक मेडिकल सर्टिफिकेट दे सके। किसका? कि नर्वस ब्रेकडाउन का। Yuri tells him that he has Dr. Ernst Weil who has qualified a doctor as a doctor only previous week. तो Yuri उसको बोलता है कि हाँ, Dr. Ernst Weil हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिन्होंने पिछले वीक ही अपनी डॉक्टर की डिग्री क्वालिफाई की है। He also fixes his appointment with him. उसने even यूरी ने अल्बर्ट की अपॉइंटमेंट भी फिक्स की डॉक्टर के साथ। एंड टोल्ड अल्बर्ट टू टेल द डॉक्टर एवरीथिंग क्लियरली, और अल्बर्ट को बोला कि डॉक्टर के सामने ज्यादा तीस मार खान मत बनना, झूठ झूठ मत बोलना, डॉक्टर को सच बता देना साफ साफ कि आपको क्यों ये मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। एंड डू नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम हिम, और उनसे कुछ भी नहीं छुपाना। इन दिस वे यूरी हेल्प्ड हिम इन लीविंग द स्कूल, इसी तरीके से यूरी ने हेल्प की, क्योंकि जब अल्बर्ट गए डॉक्टर के पास तो डॉक्टर को उन्होंने सारी बात पहले से ही बता दी थी यूरी ने, और जिसको सुन के डॉक्टर ने क्या किया, अल्बर्ट को मेडिकल फेक मेडिकल सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया, और अल्बर्ट को इजीली वहां से स्कूल छोड़ने के लिए अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। डिस्क्राइब द फर्स्ट मीटिंग बिटवीन अल्बर्ट एंड डॉक्टर एंसवेल, जो डॉक्टर और अल्बर्ट की मीटिंग थी वो कैसी थी वो आपको डिस्क्राइब करना है। फर्स्टली अल्बर्ट वॉज रियली नर्वस बिफोर मीटिंग द डॉक्टर, अल्बर्ट जो थे वो बहुत नर्वस थे क्योंकि उनको डॉक्टर से मिलना था। ही एट लास्ट मीट्स हिम एंड टेल हिम दैट ही डजंट नो हाउ टू डिस्क्राइब हिज ट्रबल, लास्ट में उसने डिसाइड किया कि चलो चले ही जाते हैं डॉक्टर के पास, और उनसे बोला कि मुझे नहीं पता कि मैं किस तरीके से अपनी सिचुएशन को आपको समझाऊं। बट द डॉक्टर सेज दैट ही नीड नॉट टू डू, डॉक्टर ने बोला कि आपको कोई जरूरत नहीं है कुछ भी मुझे समझाने की, एज यूरी हैज ऑलरेडी टोल्ड हिम एवरीथिंग, क्योंकि आपके दोस्त यूरी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। ही आस्क्ड अल्बर्ट
इफ ही सर्टिफाइज दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम नर्वस ब्रेकडाउन देन व्हाट आर हिज फर्दर प्लान फॉर हिज फ्यूचर। उन्होंने ये भी पूछा कि ठीक है मान लो मैंने तुम्हें सर्टिफिकेट इशू कर दिया, उसके बाद तुम्हारे क्या प्लान्स है अपने फ्यूचर को लेके। टू दिस अल्बर्ट रिप्लाइड, इस क्वेश्चन के लिए अल्बर्ट ने रिप्लाई किया दैट ही विल गो टू इटली, वो इटली जाएंगे एंड गेट एडमिशन इन सम इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट। वो इटली जाएंगे और वहाँ के किसी इटालियन कॉलेज या इंस्टीट्यूट में क्या लेंगे, एडमिशन लेंगे। डॉक्टर अर्नेस्ट एनकरेजेस हिम विद हिज डिसीजन, डॉक्टर ने उसको एनकरेज किया उसके डिसीजन से एंड सेड दैट ही इज नॉट डूइंग गुड बाय स्टेइंग हियर, और बोला कि हाँ तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं है, यहाँ पे तुम पढ़ते नहीं हो, आधा आधा टाइम तुम बाहर रहते हो, क्लासेस के टीचर्स तुम्हें नहीं चाहते अपनी क्लास में, तो इट्स गुड कि तुम भी यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे रह के ना तुम्हारे लिए कुछ अच्छा हो रहा है ना किसी और के लिए कुछ अच्छा हो रहा है। तो ये थी अल्बर्ट की और डॉक्टर अर्नेस्ट वेल की फर्स्ट मीटिंग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द मीटिंग बिटवीन अल्बर्ट एंड मिस्टर कोच। मिस्टर कोच जो उनके मैथमेटिक्स टीचर थे, उनके और अल्बर्ट के बीच में कैसी मीटिंग हुई थी, जो मीटिंग हुई थी उसको आपने डिस्क्राइब की ना। आफ्टर रिसीविंग द मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम डॉक्टर वेल, जब अल्बर्ट को डॉक्टर वेल ने मेडिकल सर्टिफिकेट इशू कर दिया, यूरी एडवाइज्ड अल्बर्ट टू गेट अ रिटन कंसेंट फॉर मिस्टर कोच। तो यूरी उसके दोस्त ने उसको बोला कि तुम ना जाने से पहले मिस्टर कोच से एक रिटन कंसेंट लेके जाओ, इट विल हेल्प हिम टू गेट एडमिशन इन हाई रैंक इंस्टीट्यूट इन इटली। क्यों, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा किसी भी हाई रैंक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने में। मिस्टर कोच वॉज अल्बर्ट्स मैथमेटिक टीचर, मिस्टर कोच जो थे वो अल्बर्ट के मैथ्स के टीचर थे एंड हैड अ वेरी गुड ओपिनियन अबाउट अल्बर्ट, और उनका बहुत अच्छा ओपिनियन था अल्बर्ट का अगर हम और सारे टीचर से देखें तो। ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर टीचर, और वो दूसरे टीचर से बहुत अलग भी थे। ही वॉज वेरी कॉपरेटिव एंड हेल्पफुल, वो बहुत कॉपरेटिव थे, स्टूडेंट्स के साथ कॉपरेट करते थे, अल्बर्ट के साथ कॉपरेट करते थे और बहुत हेल्पफुल थे। सो अल्बर्ट मेट मिस्टर कोच, इसीलिए अल्बर्ट मिस्टर कोच से मिला। He willingly gave Albert the reference. उन्होंने खुशी खुशी अल्बर्ट को रेफरेंस दे दिया that he wanted. Mr. Koch wrote that Albert was only wasting his time in his class. उन्होंने ये लिखा कि अल्बर्ट अपना टाइम वेस्ट कर रहा है मेरी क्लास में। In fact, Albert would soon be able to teach him. जबकि कुछ टाइम बाद अल्बर्ट से मिस्टर कोच को सीखना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने रिटन कंसेंट में लिख के दिया। अल्बर्ट ट्राइड टू बी मॉडस्ट एंड टोल्ड हिज टीचर दैट ही एंजॉयड हिज क्लास। ये सुनने के बाद अल्बर्ट ने कहा कि मैं भी अपने टीचर के लिए अच्छा बोल देता हूँ, तो उसने बोला कि आप ही हो पूरे स्कूल में जिसकी क्लास में मुझे सिर्फ मजा आता था, बाकी किसी की क्लास को मैं एंजॉय नहीं कर पाता था। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम अपने अगले लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज़ दी वॉइस ऑफ रेन, जो कि है पोएम। Till then, stay safe. Thank you for watching. Please like, share and subscribe our channel for more videos.